तो क्या करूं, जब भी फजाद और रीना को एक साथ देखती हूं ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अपनी बेइज्जती करवा ली मैंने। सही कहते हैं, प्यार व्यार ना करना ही नहीं चाहिए, हमेशा आपको दुख ही मिलता है। क्या हो जाता अगर फजाद और रीना से नहीं मिलता तो? कौन फजाद गुड़िया? आगू जान, वही ना जो इसना को घर छोड़ा था और जिस पर उम्मीद ने सारा ओपन गिरा दिया था। तो वो इस बात का बदला ले रहा है इससे? नहीं आगू जान, वो क्यों लेगा मुझसे बदला। आजकल मेरी किस्मत ही खराब चल रही है, हासिल वसूल कुछ होता नहीं है, जो करते उलट हो जाता है। मुझे तो लग रहा है मुझे उस गालिब की बदुआ लग गई है। तुम ना ठीक कह रही हो, वैसे ही मैंने सुना है इन शायरों की आँख बड़ी खतरनाक होती है। तुम एक काम करो, सॉरी कर लो उससे प्लीज। बुढ़िया तुम हिंदुस्तान जाओगी? नहीं आगू जान, सिर्फ कॉल करूंगी। मिर्ज़ा गालिब की कब्र में फोन है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? हाँ आगू जान है, आप बस दुआ करें कि वो मान जाए। हेलो हेलो, मैं उम्मीद। और मैं ना उम्मीद। मुझे आपसे मिलना है। अब मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा खुदा हाफिज़। फोन ही काटती है मुंह पे। मुझे तो लग रहा है तुमसे ये वाकई नाराज है। हैं? तो होता फिर हमारी बला से। नहीं आगू जान, ऐसे मत बोले। जितनी ज्यादा नाराजगी होती है ना, उतनी ज्यादा बदुआ होती है। आप बस दुआ करें कि मुझे उससे सॉरी करना ही होगा, और नहीं मनूसत के बादल ना मेरे सर पे छाते रहेंगे और रीना और फरजाद। बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा भतीजी, तुम्हें सॉरी कहना भी चाहिए। हाँ अब तो सॉरी करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, जाओगी ना तो सोचो पाकिस्तान के पासिस भी ले लेना, इस दफा ना हम सब मिलकर गेम शो में जाएंगे। हाँ चची, पहले वो मुझे माफ तो कर दे। और यार तुम समीर से कह के मेरे सारे गंदे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे दो ना, बहुत ढेर लग गया। ड्राई क्लीन वगैरह भूल जाओ, कपड़े अब से ना घर में ही क्लीन होंगे और पंखे के नीचे ड्राई। चाची आप ही कुछ पैसे दे दें, इतने महंगे कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे। भतीजे तुम्हें पैसे ना सोचो पाकिस्तान वाले देंगे, हैं? इसलिए कहती हूँ असदुल्ला को मना लो। मना तो मैं उसे लूंगी, लेकिन सोचो पाकिस्तान के लिए नहीं, लालची नहीं हूँ मैं। पहले इतनी बेइज्जती हो गई है मेरी, और नहीं करानी मुझे। दिल में आए करो,